नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये मौसम के ऊपर है, एचसीएफ के ऊपर है, और बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट बताने वाला हूं और ट्रिक भी बताने वाला हूं, ताकि आपके आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम टायर टू की होने वाली है या आरआरबी ग्रुप डी की और एसएससी के भी, आपको उसमें एक नंबर फिर और पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं जो भी वीडियो बता रहा हूँ तो ज्यादातर मेरा यही प्रयास है कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें आपका मैथ में अधिक से अधिक नंबर सिक्योर कर सकूं, कंफर्म कर सकूं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में मिलेगा। देखिए, यहाँ दिया गया है 2189 तथा 2587 का मौसम ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों, ये बताइए कि मौसम ज्ञात करना है तो सबसे पहले याद रखिए, आपको पता होगा मौसम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। अब मेरे बच्चों, हम लोग बेसिक क्या जानते हैं कि कम वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, भाग देने के बाद अगर शेष कम बच जाएगा तो जिससे भाग दिया था फिर वो भाज्य हो जाएगा। ऐसे भाग देकर लास्ट तक जाते थे, जिस संख्या से पूरा पूरी कट जाए वही हमारा मौसम हो जाता था। इतना तो बेसिक आप सभी जानते हैं, बट क्या एग्जाम में इतना टाइम है हमारे पास कि हम इतना समय व्यर्थ करके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में समय वेस्ट करें? नहीं ना। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है कि कैसे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। आइए मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक चीज आपको बताता हूँ सुपर ट्रिक के साथ। तो देखिए दोस्तों, जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं का आपसे मौसम पूछा जाए और इस तरह से चार ऑप्शन दे, देखिए एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इन दोनों संख्या को ना माइनस कर लेना है। माइनस करके उनके अंतर को हमेशा हमें चेक करना है। तो मेरे बच्चों चलिए, अगर मैं इस संख्या में से बड़ी में से छोटी को घटा दूं तो देखो यहाँ पर 7 है, हासिल दिया 17 में से 9 गया, 8 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ हो गया 7, 17 में से 8 गया तो 9 हो जाएगा, और ये एक हासिल दिया था तो 4 में से 1 गए, 3 और 2 कट गए। यानी इनका अंतर यानी कि डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है मेरे बच्चों, 398। अब क्या करना है मेरे बच्चों, बेसिक चीज कि जब 398 इनका अंतर है तो आपको चारों ऑप्शन में मौसम पूछा गया है, तो आप ये देखो ना कि चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है जो इस अंतर को पूर्ण रूप से काट सके, डिवाइड कर सके। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या अगर मैं देखूं, हमेशा बड़ी संख्या से ही स्टार्ट करना क्योंकि छोटी संख्या बहुत रेयर केस में आंसर होगा। तो मौसम का मतलब ही होता है महत्तम समापवर्तक, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो चलिए मैं जरा 199 को चेक करता हूं और देखता हूं कि ये 398 को डिवाइड कर रहा है। तो देखो, अगर मैं इसे 198 से डिवाइड करूं तो देखो दो बार में पूरा पूरी कट जा रहा है, 199 से, माफ कीजिएगा, 2 9 18, 2 9 18 19, 2 2 3, यानी देखो ये दो बार में कट जा रहा। तो किससे भाग गया? 199 से। क्या ये ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या? जी हाँ। तो 100% यही आपका आंसर हो गया, 199। आ गया ना मजा मेरे बच्चों? देखो कितने प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस को मैंने उड़ा दिया, डायरेक्ट चुटकियों में आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। अगर मान लीजिए 199 आपका आंसर नहीं होता तो फिर आप 198 से चेक करते हैं इसे डिवाइड करके। आई बात समझ में? तो ऐसे सिंपल स्टेप्स आपको करते जाने हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस कर लोगे तो चुटकियों में सॉल्व होंगे, दो दो सेकंड भी नहीं लगेगा मेरे बच्चों। तो देखो मेरे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो एनटीपीसी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों एग्जाम में। कहा गया है 1757 और 2259 का मौसम ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों, मौसम ज्ञात करना है हमें, वही फिर से स्टेप लेना है, हमें दोनों संख्या का अंतर निकालना है, यानी कि हमें डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, एक एक कट गया, यानी डिफरेंस कितना आ गया? 502। अब मेरे बच्चों, अब चेक करो कि इनमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 502 को डिवाइड कर जाए। तो देखो 261 से अगर मैं दो बार में डिवाइड करता हूं तो ज्यादा हो जा रहा है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। 251 से देखो अगर मैं दो से डिवाइड करूं, दो से गुणा करूं इसमें, तो देखो 502 मिल जा रहा है, यानी कि सी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 251। तो देखो कितनी चुटकियों में सॉल्व हो गया, आ गया ना मजा? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में हार्डली 10 सेकंड देना है और धड़ाधड़ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। तो देखिए दोस्तों, इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व सिर्फ और सिर्फ संभव है रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आइए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपके सामने एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है।
216, 288, 720 का मौसो ज्ञात करें। अब मेरे बच्चों देखो, अब संख्याएं तीन अंक तीन यहां पर आपको संख्याएं दे दी गई है, तो घबराने की बात नहीं है। देखो जो दो सबसे बड़ी संख्या होगी ना उसका अंतर निकाल लो, तो उससे क्या होगा ना कि आपको डिफरेंस बहुत छोटा मिलेगा, तो ऑप्शन से भाग देने में आपको सुविधा होगी, चेक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखो 216 सबसे छोटा है, इसे काट दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो देखो सबसे बड़ी में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या को घटा दो, तो देखो यहाँ पर जीरो में से आठ गया, यानी दस में से आठ गया तो हो गया दो, एक ग्यारह में से आठ गया तो हो गया तीन, छह में से चार दो गया तो चार, यानी 432 इनका डिफरेंस आ रहा है। अब मेरे बच्चों ये बोलो 432 को इन चारों ऑप्शन में से मैं किससे सबसे पहले कटाऊंगा, मौसम पूछा है यानी कि सबसे बड़ी संख्या से चेक करूंगा। तो भाई मेरे इतना सोच लो कि 84 में तुम कितने से मल्टीप्लाई करोगे जो 432 आ जाए। तो देखो चार है यहाँ, लास्ट में दो आना है, तो हमें क्या लाना होगा दोस्तों, आठ चौके 32, तो देखो आठ चौके 32 के दो हासिल हो रहा है तीन, आठ छके 8×8=64, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। तो बचा क्या 72, 72 से जरा भाग दे करके देख लो तो मेरे बच्चों, तो देखो छह से अगर दो में गुणा करूंगा तो लास्ट में दो आएगा, ये ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो देखो 6×2=12, 6×7=42 और 1×43, यानी 72 से ये जो है 6 बार में कट जा रहा है, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या तो आंसर नहीं हुई, तो उसके बाद सबसे बड़ी संख्या जो होगी 72 वही हो जाएगा मौसम। आ गई बात समझ में, छोटी संख्या से भी कट सकता है मगर आपको लेना है बड़ी से बड़ी संभव संख्या। क्लियर है दोस्तों, यही होता है मौसम। तो देखिए कितनी चुटकियों में हमने सॉल्व कर दिया, तीन डिजिट वालों को भी, तीन संख्या वाले क्वेश्चन को भी। आइए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों तीन अंकों पर, तीन संख्याओं पर आधारित फिर से एक क्वेश्चन है, कहा गया है कि इसका मौसम ज्ञात करें। तो फिर से वही कंसेप्ट देखो दोस्तों, दोनों बड़ी से बड़ी संख्या को माइनस करो, तो 11 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 7, 9 में से 4 गया तो हो गया 5, और यहाँ देखिए 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, यानी 357। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 357। अब चेक करना है कि कौन बड़ी से बड़ी संख्या 357 को काट सके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो दो में आप किससे गुणा करोगे जो 7 आएगा, कभी संभव है मेरे बच्चों कि दो में तुम 2×2=4, 2×3=6, 2×4=8, 2×5=10, 2×6=12, कभी लास्ट में 7 नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। फिर देखो 21 है, तो 7 से अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो 7 आ सकता है, यानी कि इससे ये कट सकता है। फिर देखो 23 है, तो 23 से भी देखो अगर मैं इसमें गुणा करूं 9×3=27, तो देखो 7 आ सकता है, यानी ये इससे भी कट सकता है, यानी 21 और 23 में से आंसर हो सकता है। देखो 9×3=27, 29 से भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 बार में या 13 बार में, तो भी देखिए लास्ट में 7 आ सकता है। ये ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आप ऑप्शंस को भी छांट सकते हो। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जब हम तब हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो सबसे बड़ी संख्या से अगर मैं कटा के देखूं 29×1=29, तो 6×67 नहीं कटेगा, भागा नहीं जाएगा। 23 से देखो तो 23×23, तो बच गया 12×127, 23 के पहाड़ में नहीं आता है। तो सिंपल सी चीज है, जब इससे भी नहीं आया तो आंसर क्या हो गया 21। और तो अगर चेक भी करना है तो लीजिए, मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि 21×1=21, 5 में से 1 गए 4, 1×7 देखो 7 बार में 147। देखो कितनी आसानी से, मगर ये मैंने आपके लिए किया, देखो मैंने आंसर तो वर्बली ही निकाल लिया। तो इतना कंसेप्ट अगर आपको डिफरेंस निकाल करके ऑप्शन छांटना आ जाए तो आप हार्डली इसे 5 से 10 सेकंड के बीच में कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कि कितने बड़े डिजिट का क्वेश्चन है। तो देखो एक जबरदस्त ट्रिक बता दिया और प्रूफ भी दे दिया कि ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं और हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आपसे आपका RRB और SSC के एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में भैया एक नंबर तो पक्का हो ही गया। आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, RRB ग्रुप डी में पूछा जा चुका है 2018 शिफ्ट 3 में 22 अक्टूबर वाले डेट के पेपर में। तो देखिए दोस्तों यहां पर तीन अंक, अब देखिए बड़ी संख्याएं आपको दे दी गई हैं, बड़ी संख्याओं का अब आपसे मौसम पूछा जा रहा है इन तीनों का, तो क्या करोगे मेरे भाई। क्या बताया मैंने अभी आपको कि सबसे पहले क्या करिए, दो बड़ी से बड़ी संख्याओं का डिफरेंस ले लीजिए। तो 8 में से 5 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 10 में से 8 गए 2, हो गए ना मेरे भाई, और देखो ये हासिल गया तो 2 कट गया, यानी अंतर कितना आया 243। अब देखो मेरे भाई 3×3=24, 3×1=3 कट रहा है, 27 से भी ये कटना चाहिए। देखो 9 से कटेगा क्या, 9×2=18,
963 बिल्कुल कट रहा है, तो 81 से देखो कट रहा है क्या, तो 3 × 1 = 3, 8 × 3 = 24, यानी कि देखो ये 81 से कट रहा है, और इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन है 81, तो मैं कह सकता हूं कि इन सभी तीनों बड़ी संख्या का मौसम क्या होगा 81 हो जाएगा। तो देखो मेरे बच्चों, कहने की बात यह है कि मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ, आप सेट उठा के देख लो, लगभग हर एग्जाम में रेलवे के और एसएससी के पूछे जा रहे हैं, खास करके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में। तो मेरे बच्चों ये 5 क्वेश्चन इनफ है कंसेप्ट को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक नए लॉजिक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।